विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्था महात्मा समिति देवास द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें देवास जिले से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए, जिनको सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पुलिस कप्तान चंद्रशेखर सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र खत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकों को सम्मान पत्र सहित एक एक पौधा भेंट किया गया। संस्था महात्मा के माध्यम से हमारे मुन्ना सरकार सहेज इन लोगों ने आज, चूंकि विश्व शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान के इस पवित्र कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए हुआ हूँ कि शिक्षक जैसा व्यक्ति जो आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार करता है इस देश की कमान संभालने के लिए, यदि शिक्षकों का हौसला बढ़ाया जाएगा ईमानदारी से, शिक्षकों के हाथों को सिर्फ शिक्षा के दान का काम सौंपा जाएगा, तो हमारा शिक्षक इतना मजबूत है कि आने वाली पीढ़ी भी मजबूत बनेगी और भारत की कमान को ईमानदारी से संभाल सकती है। तो मैं शिक्षक साथियों के साथ खड़ा होने के लिए कि हम सदैव आपके साथ हैं, आप हौसले के साथ आगे बढ़िए, मंजिलें आपका रास्ता देंगे। भैया, एक सवाल होता है कि जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी है, उनको लेके, नर्मदा को लेके जिस तरह से बात चल रही है, जो पौधे लगाए गए थे, उन्होंने कहने का भ्रष्टाचार किया, वन मंत्री भी आगे आगे हैं। अरे, भ्रष्टाचार तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। 7.5 करोड़ पौधे लगाने की, विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात उन्होंने कही थी, विश्व रिकॉर्ड बना दिया शिवराज चौहान ने। माननीय दिग्विजय सिंह जी खुद नर्मदा की परिक्रमा करके देख के आए हैं कि पौधे गायब है, कहीं वृक्षारोपण हुआ नहीं है। वन मंत्री हमारे उमंग सिंगार मेरे छोटे भाई हैं, हम सब ने उनसे कहा कि ईमानदारी की जांच कराइए और इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट, यदि इतने पौधे लग जाते तो इस प्रदेश का पर्यावरण भी अच्छा होता, पर वो लोग अब जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। स्थानीय विधायक जो बागली के पार्षद कौन थे, जब उनसे बारे में बात करी गई कि पौधे लगाए गए क्या नर्मदा किनारे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, जबकि वर्तमान विधायक भाजपा के। बात वही है कि जब बीजेपी के विधायक थे उनको ही नहीं पता है तो कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।